तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा ये कंप्लीट हो चुका है और ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। तो स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में, और आप देख रहे हैं सुमित संजना ब्लॉग्स। तो मैं फिर से इस बार बनाने वाला हूँ गोलगप्पा, जो कि आपने पिछले वीडियो काफ़ी पसंद किया है, और इस बार मैं ऐसा बनाऊंगा कि मैं आप आसानी से आप गोलगप्पा बना सकेंगे घर पे। तो आप देखते रहिए हमारे इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बॉयल्ड आलू ले लिया है, और इसे अभी हमें मिक्स करना होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है भुना हुआ जीरा है, ये है लाल मिर्च, और यहाँ पे है प्याज, ये है धनिया पत्ता, और ये है इमली का पानी। सो अब हम लोग इस आलू में अभी हम लोग सारा ऐड करेंगे। तो अभी हम लोग डाल रहे हैं लाल मिर्च, उसके बाद ये भुना हुआ जीरा, इसके बाद हम लोग प्याज डाल रहे हैं। इसमें आप बॉयल चना भी डाल सकते हैं, पर अभी हम लोग नहीं डाल रहे इसको। और ये रहा धनिया पत्ता। इसमें थोड़ा सा नमक, और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर हम लोग डालेंगे इमली का पानी, और इसे बढ़िया से हम लोग मिक्स कर लेंगे। सो हमारा ये आलू बन के रेडी हो चुका है। ये इमली का हम लोग ने रस ले लिया है, अब इसका हम लोग इमली का पानी बनाएंगे। तो इसमें जैसे कि पहले धनिया पत्ता हमने डाल दिया, उसके बाद भुना हुआ जीरा डालेंगे इसमें, उसके बाद लाल मिर्च पाउडर इसमें डालना है, इसमें थोड़ा सा प्याज डालना है, और थोड़ा नमक डालना है, और इसमें एक गिलास पानी ऐड करना है, और उसे हमें अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। हमारा पानी कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारा आलू है, और ये हमारा इमली का पानी है। तो आप जैसे ये देख सकते हैं, ये आपका पापड़ है, गोलगप्पा के पापड़ है ये हमारा रेडीमेड पापड़ है, जो कि आपको बाज़ार में मिल जाएगा। ये थोड़ा अलग डिज़ाइन का है, जो कि जल्दी नहीं मिलता है। ये फिश शेप में है, जो कि थोड़ा यूनिक है। ये देखिए, ये फिश शेप में है। तो इसमें अभी हमने ऑयल डाल दिया है, और इसे थोड़ी देर हमें गर्म करना होगा। तो इसमें अभी हम लोग ने पापड़ डाल दिया है। ये देखिए, ये फिश डिज़ाइन में आ रहा है। ये देखिए किस तरह से बन रहा है। ये देखिए, ये आपके पूरा फिश शेप में आ चुका है। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, ये हमारा पूरा फ्राई कंप्लीट हो चुका है, और ये इसका शेप देखिए कितना अच्छा हुआ है। देख सकते हैं ये कितना देखने में ये सुंदर लग रहा है। और ये रहा हमारा पापड़, आलू, और ये पानी, बिल्कुल ही बाजार की तरह। अब इसे अब खा के देखते हैं हम। तो देख सकते हैं जैसे ये कितना क्रंची है। अब इसमें हम लोग आलू डालेंगे, और इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही क्रंची और बहुत ही टेस्टी। आप भी ये घर में बनाइए, काफ़ी आसान है और बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें।